प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत से महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। बावजूद इसके आर्थिक दृष्टि से सरकार की नीतियां बहुत आलोचना हो रही है, उन नीतियों की आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। जीएसटी नोटबंदी के बाद जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में मंदी का दौर आया वो अभी भी लगातार जारी है। जीडीपी हमारे देश की लगातार गिरती जा रही है, इसके समाधान के लिए किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चाहे जितने दावे करें लेकिन आर्थिक दृष्टि से देश की हालत बदतर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी कहना है कि आर्थिक दृष्टि में जो देश की स्थिति है वो बहुत घातक है, सरकार वित्त मंत्रालय को ठीक से नहीं चला पा रही है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान है कि आर्थिक मामलों के जानकार और वित्त मंत्रालय को ठीक से संभालने में सक्षम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को ही क्यों ना वित्त मंत्रालय का कार्यभार दे दिया जाए, क्योंकि वे कई बार टीवी के साक्षात्कार और मीडिया के सम्मुख ऐसे जानदार दमदार सुझाव दे चुके हैं जिससे आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत किया जा सकता है। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनको ये मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है गुटबाजी के तहत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्रालय का कार्यभार नहीं सौंप रही है? या मीडिया में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही खुले मन से हर बात कह देते हैं, वे सरकार की आलोचना करने से भी नहीं चूकते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ईमानदारी के शासन और पारदर्शिता की बात करते हैं तो उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की ईमानदारी या खुलेआम सरकार की आलोचना से डरना नहीं चाहिए। देश की स्थिति और वर्तमान हालात को देखते हुए आर्थिक स्थिति पर अगर देश को मजबूती की ओर नहीं लिया जाया गया तो वे दिन दूर नहीं कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज़्यादा सीटों से केंद्रीय सत्ता सौंपी, उसके मन में भी सरकार के प्रति आलोचना करने की बातें आने लगेंगी, तब बहुत देर हो चुकेगी। इसलिए मेरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान है कि किसी भी कीमत पर ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि युवाओं को रोज़गार मिले और मार्केट में जिस तरह से जीएसटी और नोटबंदी के बाद मंदी का दौर आया है वो फिर से एक बाजार जो है पटरी पर आए और लोगों को रोज़गार मिले। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को जिस तरह से औने पौने दामों में बेचने का काम किया जा रहा है वो भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और सरकार होने का एहसास देशवासियों को दिलाने के लिए देशवासियों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां भी मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब निजी क्षेत्र में ही सारी सरकारी कंपनियां चली जाएंगी तो ऐसी स्थिति में युवाओं और कामगारों का शोषण बढ़ेगा जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।